हेलो एवरीवन, आज आएंगे केडी लाइव के साथ, जुड़ेंगे एक बार। सारे बच्चे फटाफट आ जाओ, फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। आज अपनी साइंस की जो क्लास है, जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ सीरीज 5, इसका मतलब 4 क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, ठीक है बच्चों। हम रोज क्लास ले रहे हैं, रोज स्टडी कर रहे हैं, आप सारे आइए केडी लाइव के साथ जुड़िए, ठीक है। फटाफट आ जाओ, सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। लाइक और शेयर अगर जो नहीं करेगा, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, वो अपना होके भी अपना नहीं है। कहने का मतलब वो क्लास में आएगा भी, उसे पढ़ना भी है, ठीक है, लेकिन उसे लाइक और शेयर नहीं करना, इसका मतलब वो हमारे होके भी हमारे नहीं है। तो ऐसा नहीं करना भाई, बहुत पाप लगेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, ठीक है, फटाफट आ जाइए। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन है? विक्रम कुमार है। चलिए विक्रम कुमार आए हैं, गुड इवनिंग। चलिए देखो, एक विक्रम सिंह आता, मैं बात बताती हूँ। तो विक्रम सिंह आज तक उसने मेरे से कभी गुड इवनिंग नहीं की है। लड़का बहुत अच्छा है वो, ठीक है, रोज आता है, आंसर सारे करता है और सही आंसर करता है, लेकिन आज तक उसने बस आंसर से किए हैं ना, उसने कभी गुड इवनिंग ना बाय, मतलब उसने पढ़ने के सिवा कुछ भी नहीं कहा। तो अभी एक विक्रम नाम का लड़का आया, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि अरे विक्रम बोलता नहीं है। चलो ठीक है, चलिए ओके, आपका फर्स्ट है, चलिए वेरी गुड विक्रम, आप जो है रोज जुड़िए, ठीक है। जैसे जैसे आप हो जाएंगे ओल्ड, आप बन जाएंगे हमारे लिए गोल्ड, ठीक है। आइए, हाँ जी प्रदीप, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। माया शंकर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है तुम्हारे, सब दिन ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ गुड इवनिंग नीति गहलोत, गुड इवनिंग। चलिए विजेंद्र कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड ही है बिल्कुल। उसके बाद में कौन है? मंगल है, मंगल जी जल्दी से क्लास को मंगल करिए, शेयर लाइक करिए, उसके बाद शुरू करेंगे। उसके बाद में माया शंकर, गुड इवनिंग। अशु है, अरुण है, अभिषेक कुमार, मैम जी नमस्ते, नमस्ते अभिषेक। ये सब अपने रेगुलर बच्चा पार्टी हैं, और जो नए हैं वो रेगुलर बने, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं हमेशा कहती हूँ तुम थोड़ा पढ़ो, ठीक है, तुम पूरा 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप 4 से 5 घंटे पढ़िए, पर बच्चे आप रेगुलर रहिए, ठीक है। तुम कहीं ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन तुम जो है बुक फाड़ के फेंक दो, ठीक है, इतना पढ़ लो और 1 महीने तक बुक छुओ नहीं, तो ऐसा नहीं होना, ठीक है, रोज पढ़िए। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं, बच्चे सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मैं क्लास शुरू करती हूँ, ठीक है ओके, क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम होता है भाई, सबको पता है, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ से है पहला क्वेश्चन? तो देखो तुम्हारे लिए एक बात बता दूं बच्चों, जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक बात याद रखना, एक तो केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, और एक ये जो अपना मिरर वाला चैप्टर है फिजिक्स का, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स इन सब से, तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन मिरर से ही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, अ डैश मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। आपसे पूछा जा रहा है, आप कौन से जो है दर्पण यानी शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, या कोई वस्तु रख दो जिसका जो इमेज बन के आए, ठीक है, वो कैसा हो, वो आभासी हो, सीधा हो, सामान आकार का हो, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा वो कौन सा दर्पण हो कि उसके सामने उतना ही बड़ा आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे। अब वो कौन सा दर्पण हो सकता है, कौन सा मिरर हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, ठीक है, कॉनकेव मतलब अवतल होता है, ठीक है, अवतल दर्पण, या आपका प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, या आपका प्लेन विमान नहीं आएगा, समान आएगा, समान, ठीक है, समान, या आपका कॉन्वेक्स, बताए आंसर कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आंसर फेंक रहे हैं सारे बच्चे, संजू ने आंसर फेंका है और बहुत ही गलत आंसर है, ठीक है। संजू आप रोज जुड़िए, ठीक है, आपका आंसर धीरे धीरे ठीक होगा, और सभी जो लाइक जरूर करेंगे, लाइक जरूर करना है भाई बच्चों, जल्दी से। यस, मनीष का आया है सी, सुरेंद्र का आया है बी। चलिए सी और बी में बच्चे कंफ्यूज हैं, बच्चों देखो हमेशा याद रखो कि कभी भी अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि दर्पण से हमेशा कैसा कैसा बनेगा, जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो आभासी बनेगा। तो देखो हमेशा कॉनकेव से, हमेशा देखो एक इमेज कॉनकेव से सीधी बनती है, लेकिन हमेशा नहीं बनती, यहाँ लिखा हुआ हमेशा, तो कॉनकेव तो ऐसे कट कर दो, ठीक है ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो कॉन्वेक्स है, ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि इससे हमेशा, हाँ कॉन्वेक्स से जो क्या है इमेज, वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है बच्चों, लेकिन सेम एज द साइज नहीं बनती। फिर मैम सेम एज द साइज किसमें बनती है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा बच्चों? जो आपका ड्रेसिंग टेबल में है, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं रोज तैयार होके अपने स्कूल कॉलेज जाते हो, ठीक है, शीशे के सामने जो आपके ड्रेसिंग टेबल में शीशा है
उसके सामने जब आप जाके खड़े होते हैं तो आप जितने बड़े हैं उतने ही दिखाई देते हो, ऐसा तो नहीं आपका साइज कुछ और हो जाए। आप मोटे हैं तो आप बड़े पतले दिखाई दे रहे हैं शीशे में, आप बहुत पतले हैं तो बहुत मोटे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपका साइज है आप वही दिखाई दे रहे हैं आप, इसका मतलब यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक आंसर क्या जाएगा, प्लेन मिरर। ठीक है, जैसे हो गोरे, ठीक है गोरे दिखाई दोगे, काले हो काले, हालांकि काले गोरे का कोई मतलब नहीं है, यहाँ का मतलब है कि जितनी आपकी हाइट है उतनी ही दिखाई देगी। ओके डन, चले भाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव करेंगे हम, फटाफट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा क्या है, इसमें से कौन सी धातु है जिसे स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए, उसे जो है ताकि वो हाई टेम्परेचर को झेल जाए, बताओ। एयरक्राफ्ट को स्पेसक्राफ्ट जो है किससे बनाया जाता है जिससे वो हाई टेम्परेचर भी झेल जाए। ठीक है, आपका प्लम्बम यानी लेड, पीवी या टाइटेनियम, आयरन, निकल, जल्दी से बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा। मैम क्लास कब से चलती है, बच्चा रोज बताती हूँ, आजकल क्लास आपकी 5:30 बजे, ठीक है 5:30 ओके, रोज मैं आजकल आजकल आपको ये टाइम बता रही हूँ। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ जी ब्रजेश क्या आंसर आएगा, वेरी गुड, अननोन बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात अगर आप इतना आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइटेनियम आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये हाई टेम्परेचर को क्या करेगा जो है झेल जाएगा, इसका जो क्या है हीट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, जो इसका क्या है उष्मीय प्रतिरोध है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस है जो इसका, या मैं कहूँ उष्मीय प्रतिरोध है, उष्मीय प्रतिरोध है बच्चों वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाई है, और अगर आप इसका अगर आपसे क्या पता आपके एग्जाम में इसका एटॉमिक नंबर पूछ ले, थोड़ा सा फेमस है, ठीक है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पूछ ले, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम, जल्दी से इसका एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, जल्दी से इसका एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, फटाफट फटाफट इसका एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, जितेंद्र कुमार, ठीक है फटाफट इसका एटॉमिक नंबर लिखिए जल्दी से, बहुत अच्छी बात, 22, यस 22 बिल्कुल सही बात है। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा फेमस है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, प्लम्बम, प्लम्बम से याद रखना, अगर ज्यादा खाओगे, ठीक है मैगी में आता था तो आपको क्या हो जाएगा, मीना माटा डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए, ठीक है प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण धातु है, या ऐसे पूछूं कि स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा जा रहा, बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्तन ऐसा बन जाए जिसमें जंग ना लगे तो एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन किसका यूज किया जाएगा, फटाफट। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या नहीं, आप खुद बताइए सोच के कि हाँ मैम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं और आते रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, याद रखना। चलिए एल्यूमिनियम बताया है, ओके और कोई, और कोई, नीति ने भी कुछ अपना आंसर दिया है, ठीक है चलो ठीक है, कुछ एल्यूमिनियम के साथ हैं, कुछ सी के साथ है, कुछ क्रोमियम के साथ हैं, कुछ एल्यूमिनियम के साथ हैं। ठीक है, कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है, क्रोमियम वाले सही हैं या एल्यूमिनियम वाले सही, बच्चों स्टेनलेस स्टील क्रोमियम लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें ऐसा लोहा बनाना है जिसमें जंग ना लगे तो हम क्रोमियम यूज करेंगे। ठीक है शुभम, सी बिल्कुल ठीक है, ए वाले थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है थोड़ा सा रुक जाएंगे वाले, थोड़ा सा भावनाओं पे अपने थोड़ा सा रोक लगाओ, है ना, माना कि तुम बह जाते हो बहुत जल्दी, रुको जरा, ठीक है रुको जरा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं कर रहा, बच्चों आपको पता है करेक्ट मैच करने वाला क्वेश्चन आता है, यस मैम जरूर आएगा, यस, और ऐसे क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन तैयार होता है, ऐसे क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्या एनीमोमीटर से आपका हवा की स्पीड मापी जाती है, क्या आप मुझे बताएंगे, एमीटर से आपका इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, क्या टैकोमीटर से आप प्रेशर डिफरेंस मापते हैं, या आप जो है प्रायोमीटर से हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, यस क्या ठीक लग रहा है, क्या ठीक लग रहा है, अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखिए और बताइए मैम हमें ये वाला ठीक लग रहा है, जल्दी से। चलिए आकाश कह रहे हैं कहां से हो आप, और इतना कहते इनका दिल बाहर आ रहा है, ठीक है किसके लिए है ये भाई, हाँ सी ऑप्शन प्रदीप, चलिए ओके ब्रिजेश, विमल ठीक है, शशि, शुभम, सब बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों
सब जानते हो कि प्रेशर के लिए हमें याद रखना है बैकोमीटर, ठीक है। प्रेशर हम किससे मानते हैं, बैकोमीटर हमें यहाँ पर बैरोमीटर यहाँ पे हमें याद करके चलना है, ठीक है। प्रेशर के लिए आपका टैकोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रेशर आप बैरोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से आपने प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं कोने पर मोटी होती हैं, ठीक है, बताओ किसकी बनी होती हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है जो कोलेनकाइमा की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो कोनों पर क्या होती हैं, मोटी होती हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है वो किसकी बनी है, ठीक है। पेक्टिन या आपकी काइटिन या आपका जो है सुब्रिन या सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन या आपका लिग्निन और काइटिन, क्या आंसर आएगा। यस, फटाफट जल्दी जल्दी लाइक शेयर भी करते चलेंगे, लाइक शेयर भी आप सारे करते चलेंगे बच्चे, आंसर कीजिए जल्दी से, ठीक है। देखो अगर हम बात करें बच्चों पैक्टिन और काइटिन, ये सब आपका किसके लिए आता है, फंगी, ठीक है, फंगी के लिए, तो इसे तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है, या जहां भी आपका काइटिन आए उसे हटा दो, ठीक है, जहां भी आपका काइटिन आ रहा है उसको हटा दीजिए, काइटिन आपका फंगी के लिए आएगा। तो आपका फर्स्ट और लास्ट ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में बता दो, इन दोनों में बता दो। सबसे पहली बात मैम, कोलेनकाइमा क्या है बच्चों, कोलेनकाइमा आप सब जानते हैं प्लांट टिश्यू है, ठीक है, कोलेनकाइमा प्लांट टिश्यू है, परमानेंट प्लांट टिश्यू है। परमानेंट प्लांट टिश्यू का मतलब होता है बच्चों कि इसके ये आगे अब सेल डिवीजन नहीं कर सकता, ठीक है, आगे ये सेल डिवीजन नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई इसकी ग्रोथ अब रुक गई है, ये एक तरीके का परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि ये जो है सेल डिवीजन नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो इसी में एक टाइप है, इसी का एक टाइप है कोलेनकाइमा। तो पूछा गया इसकी सेल्स किनारों पे मोटी होती, किसकी बनी होती है, इसी का एक टाइप है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, और पेरेनकाइमा। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे जो कोलेनकाइमा के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ठीक आंसर आएगा सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आता तो ये वाला ऑप्शन सही जाता आपका सुबेरिन और सेलुलोज, लेकिन यहाँ पर आपका कोलेनकाइमा के बारे में पूछा गया है तो कोलेनकाइमा के लिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। यस, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ओके, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका ठीक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे थोड़ा सा और लेके आपको, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों ने सही बताया है। हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा रेड लेड का रासायनिक संरचना क्या है, बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन, रेड लेड के बारे में पूछा गया, ठीक है, लेड आप सब जानते हैं पीवी प्लम्बम, तो रेड लेड की जो क्या है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, Pb3O4HgS PbO PbS, बताएंगे एक बार। ठीक है, ओके ओके, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत सही जा रहे हैं, रितु मीना आ गए हैं, ठीक है, पहले तो मुझे लगता था रितु लड़की है, ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला रितु इज अ बॉय। ब्रिजेश, अशु, ठीक है, संजू, प्रीत, ठीक है, जितेंद्रा, आदित्य, क्या आंसर है भाई, हाँ जी क्या आंसर दे रहे हैं आप, तो आप आंसर यहाँ पर दे रहे हैं Pb3O4, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। चलिए PbS क्या है जल्दी से बताइए, PbS क्या है जल्दी से बताइए, बहुत जो है इंपॉर्टेंट और है आपके लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपसे मिरर के लिए ही क्वेश्चन है, फिर से आपसे मिरर से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाँ जी, आपसे मिरर के बारे में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए, मिरर के बारे में पूछा जा रहा है और मिरर के फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, ठीक है, मिरर इक्वेशन क्या है, देखिए बच्चों मिरर इक्वेशन होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ठीक है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है, ऐसे ही v क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, फ्रॉम पोल, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है,
आप जो है सारे पढ़िए, ठीक है, और आंसर कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक जाएगा। सारे पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है वक्ता केंद्र ध्रुव और वक्ता त्रिज्या की समान दूरी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, ठीक। सेकंड है कि सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है कि देखो मैंने ये भी कहा है कि फ्रॉम पोल और इमेज भी फ्रॉम पोल और फोकल लेंथ भी आपका पोल से ही मेजर किया जाता है। आप सब जानते हैं सारी डिस्टेंस आपकी पोल से मेजर की जाती है, ध्रुव से मेजर की जाती है। यस विक्रम सिंह, तो यहां पर आपका ठीक आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। हाँ बी, यस यस बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक जाएगा कि सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर की जाती है। तो देखो अगर हम बात करें तो बच्चों अगर इस तरीके से दर्पण है, ठीक है, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस गई हुई है आपकी पीए मुख्य अक्ष, ठीक, तो और यहाँ पर पोल कहाँ पर होता है मैम, तो जहां पे कट करती है आपका पोल है यानी ध्रुव, ठीक। यहाँ पे आपकी क्या है मान लो फोकल लेंथ है, ये आपका सेंटर है, ये आपकी फोकल लेंथ होती है, ठीक, ये आपके का फोकस है। तो बच्चों अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो यहां से यहां तक की दूरी यू है, तो देखो सारी की सारी दूरी कहाँ से मेजर की जा रही है, आपके पोल से ही मेजर की जा रही है, यही बात वहां पे कही गई है, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पर ठीक आंसर आपका क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन, जिन बच्चों ने कहा है सभी का बिल्कुल ठीक है, यस, इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपसे पूछा जा रहा है क्या है कैलेमाइडोमोनास इनमें से किस वर्ग से है, बताइए भाई। जो आपका कैलेमाइडोमोनास है बच्चों अगर हम बात करें तो आप पहले बताइए फिर मैं बताऊंगी कि ये किस जो है किस आपके किस फाइलम से कह लो या किस किंगडम से रिलेट करता है, ठीक है, बताइए क्या है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, जब आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है तभी आप बता पाएंगे कि ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बच्चों 100% आ सकते हैं, ठीक है, दिखे नहीं है ऐसे क्वेश्चन पहले लेकिन आएंगे जरूर। आंसर आया है प्रोटिस्टा, चलिए प्रोटिस्टा, कह रहे मैम लाइक बहुत कम, अरे करते रहेंगे भाई कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए आप पढ़िए पहले। ए ऑप्शन ए बी, ब्रिजेश कह रहे मैम ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी में बच्चे कंफ्यूज हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें ये क्या है बच्चों, तो ये क्या है, ये क्लोरोफाइटा, ठीक है, ये क्या है, ये क्लोरोफाइटा, ठीक है, क्लोरोफाइटा है, क्लोरो का मतलब ग्रीन, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है बच्चों, ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये एक हरा शैवाल है, तो इसलिए शैवाल हम कहाँ पढ़ते हैं प्लांट में, इसलिए इसे कहाँ रखा गया है आपका किंगडम प्लांटाई, ठीक है, इसलिए इस हिसाब से आपका सही आंसर जा रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका ठीक जाएगा, आपका ग्रीन एल्गी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ, आपसे पूछा जा रहा है अगर चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहता है तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है When the length of conductor is double and the area of cross sections remains the same, then its resistance, ठीक है, बताइए किसी को ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले पे रखिए तुरंत आंसर फेंकेगा, ठीक है, फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रखिए तुरंत आंसर फेंक देगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट। क्या आएगा भाई, क्या बताया है, चलिए ए ऑप्शन जय कुमार कह रहे हैं डी, रिमेन सेम, चलिए ठीक है ओके। देखो बच्चों आप सब जानते हैं अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर रो रो एल अपॉन में ए, ठीक है, और जहां पर यहां यही कहा गया है अगर हम इसे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली बात है बच्चों हमेशा याद रखना कि अगर इस तरीके से कोई चीज है मतलब इस तरीके से दोनों चीज ऊपर लिखी है तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये घटाओगे तो ये घटेगा, तो ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो अगर आप ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, तो आपने जितना बढ़ा रहे हैं लेंथ कितना कर रहे हैं डबल कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा विल बी डबल, ठीक है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, तो जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है, यस यस बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए यहां पर आपका ठीक आंसर है बी, बी ऑप्शन इज द राइट।
चलिए नेक्स्ट आपसे बताइए, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग माने जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा नॉन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा नॉन एसेंशियल ऑर्गन क्या है, तो बच्चों देखो ये कान का जो आपका एक्सटर्नल पार्ट है ना, नॉन एसेंशियल है, ठीक है। आपके जो बॉडी हेयर्स है वो नॉन एसेंशियल है, मतलब जो आपको मतलब आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। तो वो एक तरीके से नॉन एसेंशियल मान लिए जाते हैं, है ना। हालांकि कान की हमें जरूरत है भाई, है ना, लड़कियां तो इयररिंग्स कहाँ पहनेंगी, लेकिन साइंस में आपको याद रखना है कि ये नॉन एसेंशियल ही माने जाते हैं जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। ऐसे ही आपको फूलों में पूछा गया है कि भाई फूलों में कौन सा है जो गैर आवश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं है, बताएंगे एक बार। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, सेपल्स एंड पेस्टल्स, ठीक है। ये वाला पार्ट देखिए, ये इसका क्या होता है, ये अगर हम बात करें तो ये इसका क्या होता है, आपका पेस्टल वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाता है, सेपल्स हो जाता है। तो देखो ये क्या करता है, एक तरीके से पूरे फूल को संभाल के रखता है। और अगर हम बात करें यही, ये जो आपका क्या है, सेपल्स वाला पार्ट है, एक तरीके से पूरे फूल को बिखरने से बचाता है। इसके ऊपर ऐसे करके जो है ये लगा होता है, ताकि फूल अलग अलग ना हो जाए, ठीक है। और ये क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं इसके अलग अलग कलर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी साइड जो इंसेक्ट होते हैं उनको आकर्षित करते हैं, ठीक है, इंट्रैक्ट करते हैं। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। गाइनोकियम का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है, सीधा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि फीमेल पार्ट में कहां से जो पराग यानी पॉलन ग्रेन होते हैं वो अंदर जाते हैं, उस पार्ट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। कुछ ऐसा है, बना दूं मैं, बताइए क्या कहेंगे, ठीक है। स्टिग्मा का भाई वर्तिकाग्र आएगा, कलंक कहां से आ गया, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, चलिए बताइए जल्दी से, बताएंगे क्या कहेंगे उसे हम, जल्दी से बताइए। स्टिग्मा, स्टिग्मा, यस भाई बिल्कुल ठीक बात है, स्टिग्मा, ठीक है। इसी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टिग्मा। और यहीं से जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अंदर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन फिर होता है। ओके, तो यहां पर आपका स्टिग्मा बिल्कुल ठीक है, हाँ जी स्टिग्मा यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, यस यस यस, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं, स्टिग्मा यहां पर आपका ठीक जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन ऑक्सीजन का कार्य नहीं है। ऑक्सीजन आप सब जानते हैं क्या है भाई, ऑक्सीजन आप सब जानते हैं एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है, प्लांट हार्मोन है, इसे मास्टर हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या काम नहीं करेगा, क्या बच्चों ये क्या नहीं करेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि कैलस के फॉर्मेशन में काम नहीं आएगा, ठीक है। यह आपका डोरमेंसी करता है, ठीक है, डोरमेंसी करता है। यह आपसे पूछा जा रहा सेल डिवीजन करता है, ठीक है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि एपिकल को मेंटेन रखता है, बताइए क्या आंसर सही आएगा। मैम मेरा ये चैप्टर्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, कल थ्योरी क्लास होगी, ठीक है, बहुत हो गया प्रैक्टिस क्लास, है ना। अब कल प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, कल कुछ थ्योरी क्लास होगी, कल आपके लिए कुछ थ्योरी क्लास मैं लेके आऊंगी, जिसमें आपको कुछ थ्योरी दिया जाए, प्रैक्टिस तुमने बहुत कर लिया है, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए तो बच्चों अगर हम बात करें तो याद रखना कि इसका डोरमेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये बीज अंकुरित करने के कोई काम नहीं आता है, तो आपको याद रखना है कि डोरमेंसी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट उत्पादन करने के लिए प्रक्रिया करते हैं, बताइए। अगर जो है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अगर आपके बेरियम क्लोराइड और आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है, अगर ये मिलते हैं तो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। BaSO4, ठीक है, और प्लस आपका 2NaCl बन जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इस हिसाब से, NaCl2 नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है, Ba2SO4 ये भी नहीं हो सकता, यही वाला ऑप्शन सही जाएगा, BaSO4NaCl, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। केमिकल रिएक्शन सभी बच्चे पढ़े, केमिकल रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कल आपको कुछ ऐसा ही चैप्टर पढ़ाया जाए। कल केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स में से क्या पढ़ना चाहते हैं आप,
कल आपके पास तीन ऑप्शन है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, उसमें से आप क्या पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, उसमें से आपको थ्योरी क्लास दी जाएगी जो आप पढ़ना चाहेंगे। बताइए, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में आप क्या पढ़ना चाहेंगे? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में आप क्या पढ़ना चाहेंगे? केमिस्ट्री पढ़ना चाहती हैं नीति जी, ठीक है। वैसे इस बार केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से ज्यादा ब्रिजेस भी करें केमिस्ट्री, ठीक है। चलो भाई, फिर कल केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, ठीक, केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। अभिषेक कुमार कह रहे हैं केमिस्ट्री, प्रीत कह रहे हैं, जय कुमार कह रहे हैं केमिस्ट्री। चलो भाई, केमिस्ट्री तुम्हें है, केमिस्ट्री बहुत बनाते हो तुम। चलो, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका क्या है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ ऑफ मेडअप, बताओ आपके पूछा जा रहा है कि जो आपके माउथ की क्या है, परत है, ठीक है, लाइनिंग है, वो किससे बनी हुई है, कौन से जो है टिश्यू से बनी हुई है? एनिमल टिश्यू पढ़ाया था, ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ाया था। और अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं हड्डियां भी हमारी एक टिश्यू होती है, खून भी एक टिश्यू है, ठीक है। खून और हड्डियां हमारी कैसी टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर हम बात करें, आपसे पूछा जा रहा फेस, देखो फेस, ये बात तो क्लियर है कि फेस जो है बच्चों वो एपिथेलियल टिश्यू ही है, ठीक है। तो ये तो आप अच्छा सारा ही एपिथेलियल दिया हुआ, अब इनमें से बताओ, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है फेस हमारा जो है, एपिथेलियल टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलके बना हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपका इक्वामस एपिथेलियल आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलो भाई, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कोई सा भी ऐसा प्राणी है जो ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। हर जगह क्या दौड़ रहा है, सीधा यही पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए, पूरे शरीर में क्या दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी। कह रहे हैं नीति की बात मान ली, अरे भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं कि नीति की बात मान ली है ना, सारे एक जैसे हैं। नमस्ते 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 आकांक्षा, विक्रम, ब्लड ब्लड ब्लड, यस यस यस, यहाँ पे अगर हम ब्लड आंसर मान के चले तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, ब्लड अगर यहाँ पर आंसर मान के चलते हैं कोई गलत बात नहीं है, यस ब्लड यहाँ पे आपका ठीक आंसर जाएगा, बी ऑप्शन ब्लड, यस 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 यस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्लड ब्लड ब्लड, रक्त रक्त रक्त। चलो भाई जल्दी से फटाफट, आपसे पूछा जा रहा है रैखिक लीनियर मोमेंटम 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, ज्यादा भावुक मत होना, ग्राम मीटर ये सब देख लेना। तो और यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें, जल्दी जल्दी, हाँ जी फटाफट आंसर फेंक दो, पहले बता रही हूँ ज्यादा भावुक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छे से देख लेना क्वेश्चन। क्या आएगा? हाँ, कौन नहीं जानता है कि पी मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, ठीक है, एम यानी मास, मास कितना है बच्चों यहाँ पर, मास आपने निकालना है, मोमेंटम आपको दिया हुआ है 250, ठीक है, मास आपको निकालना है, वेलोसिटी आपका कितना है भाई, आपका 5 मीटर है, तो यहाँ इसका मतलब आप इसे चेंज करेंगे सेंटीमीटर में क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा आपका 500, ठीक है। अब m बराबर आपका क्या हो जाएगा, 250 अपॉन में 500, ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है, कितना आएगा भाई 0.5 ग्राम, यही आया है क्या, हाँ जी क्या आया है, ए ऑप्शन, यस बिल्कुल ए ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक जाएगा, सभी का आया है, सभी का आया है क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएंगे एग्जामिनर्स, आ जाइए। किसी तेल को, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अगर आप किसी ऑयल को, ठीक है, रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं स्टोर करके, तो कौन से गैस का उपयोग आप करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या हीलियम और नाइट्रोजन, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से, कौन सी गैस का यूज आप किसी भी ऑयल को जो है क्या करेंगे, फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को रखने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो आप किस गैस का यूज करेंगे,
किस गैस का प्रयोग आप करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। किस गैस का प्रयोग आप करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो इतनी बात तो आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ये वाला ऑप्शन है, नाइट्रोजन ये वाला। लेकिन बच्चों अगर नाइट्रोजन नहीं है तो आप हीलियम करेंगे, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए कट हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है। इन ऑप्शन अगर आपको नाइट्रोजन नहीं दिया है तो आप किसके साथ जाएंगे, हीलियम, हीलियम भी आप कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, पैराथायरोक्सी हार्मोन का कार्य बताइए, पैराथायरोक्सी हार्मोन का काम क्या है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ पैराथायरोक्सिन हार्मोन बताइए, पैराथायरोक्सी हार्मोन का काम क्या है, जल्दी से बताइए। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में भी मिलने वाले हैं, आपसे पूछा जा रहा है पैराथायरोक्सी हार्मोन के काम आपसे पूछे जा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या काम है पैराथायरोक्सी हार्मोन के, यही आपसे पूछा जा रहा है फटाफट। जल्दी बताइए बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं ये क्या करता है, जल्दी से बताइए, तो जो आपके बॉडी में कैल्शियम है उसकी मात्रा को क्या करता है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट द कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम अगर हम बात करें कहाँ कहाँ है, तो आप सब जानते हैं आपके बालों में कैल्शियम है, आपकी बोन्स में, हड्डियों में, और इसमें कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए, और कहाँ है, आपके नेल्स में, ठीक है, आपके नेल्स में कैल्शियम है, और आपके ब्लड में भी कैल्शियम है। तो इसका जो कैल्शियम का लेवल है, ठीक है, जो आपके बॉडी में या आपके जो है, हाँ बॉडी में ही कहेंगे, पूरे बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है उसे मेंटेन करता है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कम होना चाहिए। अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया बच्चों, तो जैसे ही टमाटर खाओगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सलेट बनते ही क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्सलेट आप सब जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्या है, वो बच्चों स्टोन है, पथरी है ना। तो देखो यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम को कम करना और ब्लड वाले कैल्शियम को हड्डियों में लगा देना ताकि हड्डियां मजबूत हो, तो ये काम कौन करता है आपका, पैराथायरोक्सी हार्मोन, ठीक है, पैराथायरोक्सी हार्मोन। तो यहां पर आपका सही आंसर आएगा पैराथायरोक्सी हार्मोन। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मिरर चैप्टर में कह रही हूँ, मिरर चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के सामने आया है। पूछा जा रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है, वस्तु रखी गई है, उत्पादित छवि होगी, बताओ भाई कौन सा अवतल दर्पण है, ऐसे बना लेंगे। हाँ जी पूछा जा रहा है कि जो इसका फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी अगर एफ यहां तक है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में बच्चों, आप सब जानते हो कि इसकी दूना क्या होता है, सेंटर, सेंटर इसने कहा है 40 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर सेंटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो मैंने कहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा जाता है तो क्या बनता है, सेम एज द साइज, ठीक है, सेम एज द साइज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है तो हमेशा याद रखना वो कॉनकेव मिरर में क्या बनाता है, सेम एज द साइज ऑब्जेक्ट बनाता है ना। तो यहाँ पर देखो सेम एज द साइज कहाँ पे है, लास्ट वाले ऑप्शन में सेम एज द साइज दिख रहा है क्या, पहली बात तो कॉनकेव से कैसा बनेगा जो है, रियल बनेगा, और रियल के साथ हमेशा बच्चों इन्वर्ट, देखो ये वाला ऑप्शन तो देखते ही काट दिया करो, इन वाले ऑप्शन में तो परेशान होने की जरूरत नहीं, याद रखना कभी भी अगर इन्वर्टेड इन्वर्टेड इमेज बनी है तो 100% वो कैसी बनी होगी, रियल बनी होगी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन तो छोड़ो ऑप्शन ही गलत है, इरेक्ट इमेज है तो हमेशा वो कैसी बनी होगी, वर्चुअल बनी होगी, ये आपको याद रखना, ये मैंने बहुत पहले बात बताया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही है, ये रियल इन्वर्टेड है, चलो यहां तक सही है, ठीक है। अपोजिट साइड नहीं, ये जो है साइज जो है कैसा है बच्चों, साइज आपका सेम है, सेंटर पे अगर कोई वस्तु रखी है तो वो कैसी बनती है, सेम एज द साइज बनती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या दिया है, डी, ठीक है। चलिए भाई ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, विट्रियोल का तेल किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको, बताइए ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर करिए, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, फटाफट आंसर करिए। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है,
ऑयल और पेट्रोल बच्चों हम किसे कहते हैं? H2SO4 को, ठीक है? जो क्या है, जो किंग ऑफ एसिड माना जाता है। क्यों मैम? क्योंकि इसे हर जगह यूज कर लेते हैं। कहाँ पे? सबसे पहली बात तो एसिड रेन में। कितनी बार पूछा गया एसिड रेन में कौन सा मेन एसिड है? H2SO4, ठीक है? और क्या है ये? बैटरी एसिड है, ठीक है बच्चों? बैटरी बैटरी में यूज करते हैं, बैटरी एसिड है, ठीक है? और आपका आग बुझाने में पहले इसका प्रयोग किया जाता, हालांकि अब नहीं है। तो H2SO4 को ही क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? जो ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आपके फिजिक्स का बहुत ही, मैं कहूंगी, कुछ बच्चों को वो टफ टफ लगता है, ठीक है? उनका डब्बा बिल्कुल गोल है उसमें, ठीक? तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दोगे तो मार्क्स भी आपके छोड़ने वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कि रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों? दो रेजिस्टेंस है, और जो किस सीरीज में, किसमें? सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 10 ओम आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी दो रेजिस्टेंस है, R1 और आपके R2, ठीक है? अब वो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में हम क्या करते हैं? सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 10, यानी कि R1 प्लस R2 कितना आ रहा है आपका? 10 ओम, ठीक है? ओके। उसके बाद में कह रहा है कि उसके बाद में व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर कह रहा है कि हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इन्हीं को। जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, हाथ से हाथ को जोड़ दो, पैर को पैर से, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब बच्चों यहां पर R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? R1 प्लस, आपको पता है पैरेलल में हम इस तरीके से करते हैं, तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है बच्चों 2.4। 2.4 लिखिए, या आप इसे क्या लिख दीजिए अपना 24 अपॉन में 10, या आप इसे लिख दीजिए 12/5, ठीक है? यानी R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 5/12, है ना? अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम किसे रखें। 5 5 को रखते हैं तो 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन 1/5 1/5 आपका कितना? 5/12 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 6 + 4 रखते हैं, ठीक है, इसमें रख के देखें, तो देखो 6 + 4 6 + 4 10 ओम हो गया, ठीक है? पहली वाली इक्वेशन काम चल गई। दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो लिखेंगे 1 by कितना लिखेंगे? 6 + 1/4, तो कितना आ जाएगा? 12, और ऊपर जाएगा आपका 2 और 3, यानी आपका यहाँ पे आ गया 5/12, ठीक है? 5/12, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर गई, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा। बताओ सही जाएगा या नहीं? बी वाला ऑप्शन सही जा रहा है या नहीं? बिल्कुल ठीक जा रहा है, बी वाला ऑप्शन सही जा रहा है। सबने बी बताया है, यस, बहुत अच्छा, बहुत ठीक आंसर किया है, बिल्कुल ठीक बात है, बी ऑप्शन, यस 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 निकुल, बी इज द राइट, ठीक है? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा। चलो, आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से प्रकाश, ठीक है, किस बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है, तो जो है निम्न में से कौन प्रकाशीय समांतर किरण बना सकता है? आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी मिरर है, मुझे नहीं पता एक्स वाई जेड, कोई भी मिरर है, ठीक है? वो आपसे पूछ रहा है कि कहीं एक जो है पॉइंट से अगर वहां पर लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? वहां से रिफ्लेक्ट होने वाली जो क्या है आपकी रे है, वो ऐसे समांतर जा रही, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल समांतर जा रही, पैरेलल जा रही है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस हो सकता है? बच्चों बताइए कौन सा लेंस हो सकता है, जल्दी से बताइए, या कौन सा लेंस, या मतलब कौन सा मिरर हो सकता है, ठीक है? और मिरर है तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर की तरह कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, और कॉन्वेक्स मिरर की तरह जो है आपका कॉनकेव लेंस काम करता है, बताएंगे एक बार? हाँ, तो वो मिरर तो आपका कॉनकेव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, और कॉनकेव मिरर की तरह आपका कॉन्वेक्स काम करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही ठीक जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, जब किसी लड़के को, ठीक है, कोई बॉय है, उसे जो है दाढ़ी मूंछ, ये बियर्ड वगैरह सब आने लगती हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किस हार्मोन के कारण आता है? बताइए, लड़कों में जो उनका, अगर हम बात करें, इसे सेकेंडरी कहा जाता है, उनमें जो सेकेंडरी जो है साइन आता है कि वो एक लड़का है एक बॉय है, तो किस लिए आता है? उनकी आवाज भारी हो जाती है, ठीक है, उनके बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं,
तो वो किस हार्मोन के कारण आता है? मेल हार्मोन की बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक है। और कोई आंसर करेगा? हाँ दीपक वर्मा, बहुत लेट आए हैं शायद आप। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेस्टोस्टेरोन, ये आपका मेल हार्मोन है, ठीक है। लड़कियों में नहीं बनता, गर्ल्स यानी फीमेल में नहीं बनेगा, ये आपका मेल हार्मोन है। किस कहाँ बनता बच्चों? तो टेस्टिस, ठीक है। कहाँ इस होता है? टेस्टिस। टेस्टिस में जो सेल्स होती हैं आपको पता है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनमें जो आपकी लीडिंग सेल्स होती हैं वहां से ये बनता है। ओके डन। चलिए ठीक है, हो गई बात यहां तक, आ जाइए। कौन सी सेल है, ठीक है, कौन सी सेल है, विच सेल सिक्रेट एससीएल, कौन सी कोशिका एससीएल बनाती है? अब देखो एससीएल आप सब जानते हैं पेट में बनता है, स्टोमक में बनता है। अगर ये क्वेश्चन आया होता तो 1 मिनट में आंसर यहाँ पर आ जाता, ठीक है, कि जो आपका क्या है, आपका एससीएल है वो आपके पेट में बनता है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि पेट में कौन सी सेल है, कौन सी कोशिका है जो ये बनाती है, ये आपसे आंसर पूछा गया। अब बताइए इसका आंसर आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप सब जानते हैं कि आपके स्टमक में एक बच्चों क्या पाई जाती है, एक आपकी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहीं से आपका क्या होता है, जठर ग्रंथि, इसे हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। यहीं से अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर क्या है आपका एस, आपका क्या कह रही थी मैं, हाँ यहाँ यहीं से आपका एससीएल निकलता है। इसमें दो सेल होती हैं, एक आपकी चीफ सेल, ठीक है, एक आपकी चीफ सेल यानी मुख्य सेल होती हैं, जो क्या बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं, ठीक है। इनका काम होता है एंजाइम्स बनाना, ठीक है, रेनिन और पेप्सिन। लेकिन यहाँ पर एक आपकी जो पेराइटल, ठीक है, जो आपकी पेराइटल सेल्स होती हैं वही क्या बनाती हैं, आपका एससीएल बनाती है, ठीक है। तो पेराइटल सेल्स जिनने बच्चों का आंसर आया है उनका सही है। न्यूलैंड, न्यूलैंड आप सब जानते हैं कौन है, जो जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का सेकंड जो है एफर्ट लगाया था, दूसरा प्रयास किया था, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, ऑक्टेव लॉ दिया था, ऑक्टेव लॉ दिया था न्यूलैंड जी ने, ऑक्टेव लॉ दिया था, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नि सा, जो उन्होंने एक नोट रख के और अपने अपनी पीरियोडिक टेबल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो पूछा जा रहा है कि उनकी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और उनकी पीरियोडिक टेबल का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, जल्दी से बताइए। उनकी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी से, हाँ तो देखो बच्चों आज भी और पहले भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है, हाइड्रोजन ही है आपका, आप जानते हैं। लेकिन लास्ट, आज तो आप जानते हैं ऑग्नेंसम है, लेकिन उस टाइम कौन सा था, थोरियम, ठीक है, उस टाइम कौन सा था, थोरियम, ठीक है, थोरियम जो है लास्ट एलिमेंट था, लास्ट पूछा गया ना, अच्छा फर्स्ट और लास्ट दोनों पूछा गया, ठीक है, यस थोरियम। और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉशिंग सोडा, जल्दी से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए, जल्दी से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताएंगे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ Na2CO3, है ना। देखो बच्चों Na2CO3 आपको नहीं कहना है, Na2CO3, और फिर यहाँ पे आपको 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जोड़ने हैं, ठीक है, ये आपका सोडा ऐश हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ वॉशिंग सोडा पूछा गया है तो ये आपका Na2CO3.10H2, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स आपको ऐड करना होगा। जल्दी से यहीं पर बेकिंग सोडा का भी बता दीजिए, जल्दी से यहीं पर बेकिंग सोडा का भी बता दीजिए, जल्दी से यहीं पर कास्टिक सोडा का भी बता दीजिए, कास्टिक सोडा का भी बताइए, सारा सारे कुछ भी सोडा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, NaSCO3, और कास्टिक सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, हो गया। तीनों सोडा आपको पता चल गया, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा,
तीनों ही लिख लेना। हाँ, जिन बच्चों ने आपका 10 पानी के मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमेशा वॉशिंग सोडा आपने क्या करना है, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करके ही दिखाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग हरा नीला हो जाता है, ऐसा क्यों, बताएंगे एक बार। आपसे पूछा जा रहा है, कोई अगर लैब में भी कुछ बच्चों ने जिन्होंने बायो से अपनी ग्रेजुएशन या अपना 12th किया होगा, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, अगर आप आलू कट करके, ठीक है, और उस पर आयोडीन के कुछ ड्रॉप करोगे तो जो आपका आलू है बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। जो आपका आलू है वो क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो वो क्या दिखाता है, ठीक है, कि मेरे अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसके कारण मेरा रंग क्या हो गया, डार्क ब्लू कलर का हो गया। ओके, ठीक है दीपक वर्मा जी, बाय। हाँ, स्टार्च टेस्ट, बिल्कुल बच्चों, अगर किसी भी चीज में स्टार्च की प्रेजेंस आपने देखनी है, ठीक है, और आप उसमें क्या करिए, आयोडीन के ड्रॉप डालिए तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। जो चावल का मांड बोलते हैं उसमें भी अगर आप डालेंगे, ठीक है, राइस का, तो बच्चों वहां भी आपका ब्लू कलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पे कार्बोनेट है, वहां पे शर्करा है, वहां पे स्टार्च है। चलिए, ओके, चलो भाई। जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है, हाँ जी, जिप्सम CaSO4, ठीक है, अगर आप इसे गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जल्दी से बताएंगे। अगर आप इसे गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जिप्सम को कितना गर्म किया जाता है, आप सब जानते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, क्या फाइंड आउट होता है, जल्दी से बताइए। जिप्सम को हाँ बिल्कुल ठीक बात है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ठीक बात है, POP यहाँ पर आपको मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपसे पूछा जा रहा है, ये जो यहाँ पर रिएक्शन है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स रिएक्शन या आपका न्यूट्रल रिएक्शन, कौन से रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से। अगर मैं बात करूं आपका न्यूट्रल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जब आप किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाओ और वहां पर आपको वॉटर, ठीक है, प्लस आपको क्या मिले, सॉल्ट मिले, सॉल्ट प्लस वाटर मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये न्यूट्रल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे देखिए, ये क्या, यहाँ पर कोई बेस है, कोई एसिड है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो है नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में जल्दी से बताइए नेक्स्ट कौन सा आएगा, हाँ जी, और देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो तीन चीजें मिलकर, ठीक है, दो तीन रिएक्टेंट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से बना है, इनके कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहां पर आपका सही आंसर जाएगा First and 3, ठीक है, First and 3। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी कहां करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी जो है कहां करेंगे, सभी जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ओके। और कल अगर टाइम रहा तो आपकी थ्योरी क्लास होगी किसकी, केमिस्ट्री की, क्या टाइम रहेगा, 5:30 बजे ही हम क्लास करेंगे, ठीक है, कब करेंगे भाई, 5:30 बजे से शुरू करेंगे हम क्लास कल, और जहां तक है कि थ्योरी क्लास आपको दी जाएगी, केमिस्ट्री की थ्योरी क्लास देंगे, ठीक है, तो क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, ओके, चलिए ठीक है, बाय, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय रितु, ठीक है अभिषेक, बाय। ओके जितेंद्र, ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसा कि सभी बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम आप केमिस्ट्री क्लास ले लो, इसीलिए आप केमिस्ट्री क्लास कल दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है, तो इसीलिए कल आपको केमिस्ट्री क्लास दी जाएगी, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल क्लास का टाइम हो चुका है, ओके, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।
हाँ।